चलो स्टार्ट करें देखो आज हम लोग बात कर रहे हैं हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करते हैं आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अगर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने नहीं आते तो आप आगे की चीजें सीख ही नहीं पाओगे तो चलो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बेसिक से फिर लेवल को पढ़ाएंगे फिर साइक्लिक कंपाउंड पे भी आएंगे है ना तो सबसे पहले क्या चीज जाननी है सबसे पहले जानना है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन ऑफ फ्लो फ्लो यानी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं तो हमेशा याद रखो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव या फिर लोन पेयर से नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करेगा पाई बॉन्ड की तरफ किसकी तरफ पाई बॉन्ड अच्छा पाई बॉन्ड कभी नेगेटिव की तरफ मूव नहीं कर सकता नेगेटिव या लोन पेयर ही मूव करेगा किसकी तरफ पाई बॉन्ड की तरफ नाउ पाई बॉन्ड मूव करता है हमेशा पॉजिटिव की तरफ यानी पॉजिटिव चार्ज की तरफ यानी पाई बॉन्ड हमेशा किसकी तरफ मूव करेगा पॉजिटिव यानी पॉजिटिव से पाई बॉन्ड नहीं जा सकता पाई बॉन्ड किस तरफ जाएगा पॉजिटिव एक चीज और नेगेटिव और लोन पेयर जो है ये भी मूव करता है किसकी तरफ पॉजिटिव अगर पाई बॉन्ड नहीं है और पॉजिटिव चार्ज है तब क्या होगा यही होगा अच्छा देखो हमेशा एक चीज और पाई बॉन्ड हमेशा बनाता है नेगेटिव नेगेटिव चार्ज चार्ज और हमेशा हमेशा बनाएंगे पाई सेम, पाई बॉन्ड बॉन्ड सेम क्या बनाएंगा? लोन पेयर और लोन पेयर क्या बनाएंगे पाई बॉन्ड बोलो क्लियर है बस इतनी सी बात याद रखना सारे क्वेश्चन होंगे एक एक करके एक दो मैं कर रहा हूं दो चार आप करोगे फिर एक दो मैं करूंगा फिर चार पांच आप करोगे ठीक है तो प्रैक्टिस आपको ही करनी है तो एकदम बेसिक से सबसे लल्लू क्वेश्चन से उठा रहा हूं बोलो लोन पेयर और पाई बॉन्ड का लू पहले या पाई बॉन्ड और पॉजिटिव का लू किसका लू चलो पहले पाई बॉन्ड और पॉजिटिव ले लेते हैं तो देखो पहला मैं ले रहा हूं फर्स्ट पाई बॉन्ड से पाई बॉन्ड से पॉजिटिव चार्ज की तरफ पॉजिटिव चार्ज की तरफ देखना कैसे मूवमेंट होती है सीखना मैंने बोला सी एच टू डबल बोन सी एच एंड सी एच टू पॉजिटिव सबसे पहला काम सबसे पहली स्टेप चेक करो क्या रिजोनेंस हो भी रहा है या ऐसे ही मूव कराए कर रहे हो रिजोनेंस हो ही नहीं रहा तो जरा चेक करो डबल सिंगल पॉजिटिव बोलो रिजोनेंस हो रहा है हो रहा है तो अब मूव कराओ मैंने क्या बोला पाई बोर्ड किसी तरफ मूव करेंगे पॉजिटिव की तरफ अब कैसे मूव करेंगे यह पॉजिटिव था इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए थे तो ये पाई बॉन्ड आ जाएंगे यहां यानी ये कार्बन क्या करेगा इस कार्बन से छीन के यहां पर आ देगा मैंने बोला पाई बॉन्ड नेगेटिव और नेगेटिव पाई बॉन्ड में पॉजिटिव के केस में ऐसा नहीं होता है याद रखना वो सिर्फ जब होगा जब एक पाई बॉन्ड और एक नेगेटिव है या एक पाई बॉन्ड लोन पेयर है तभी वो इंटरचेंज होंगे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड ही बनाएगा पॉजिटिव चार्ज है तो पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड ही बनाएगा तो देखो ये बॉन्ड यहां आया अब स्ट्रक्चर कैसा हो गया जब यहां से बॉन्ड चला गया तो एक सिंगल बॉन्ड रह गया यहां पे सी एच है और ये बॉन्ड यहां आ गया तो एक बॉन्ड पहले से था एक और आ गया और क्या बन गया सी एच टू अब देखो सबको पता है कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है चार यहां पर अभी कार्बन ने दो बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाए थे और एक कार्बन से यानी कार्बन के पास कितने बॉन्ड थे तीन इसलिए कार्बन पे क्या चार्ज था पॉजिटिव जैसे इसका पाइपोर्ड लिया क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज हट गया खुद का पॉजिटिव चार्ज तो हट गया लेकिन इसके बारे में कौन सोचेगा इसको बोल तो, तो दिया कि पाई उठा के यहां रख दे इस बेचारे का क्या होगा अब इस बेचारे पे कैसा चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया अब ये दोनों जो है ये दोनों कैक्यूले स्ट्रक्चर है कैसे स्ट्रक्चर है कैकुलर स्ट्रक्चर यानी इनको आप बोलोगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बोलोगे टिंग स्ट्रक्चर तो यह है फर्स्ट रेजोनेटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंड इज सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलो पता चल रहा है तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेकिन मैंने आपको क्या बोला था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैलकुलर स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होता है रेजोनेस हाइब्रिड यही बोला था तो चलो इसका हाइब्रिड बनाए देखो कैसे बनेगा हाइब्रिड तीन कार्बन थे एक अच्छा पूरा लिखते देखो सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू यहां तक दिख रहा है सबको अब पहले बॉन्ड यहां पे था अब बॉन्ड यहां पे पहुंच गया है, यहां पहुंच गया यानी बॉन्ड दोनों कार्बन के बीच में क्या है घूम रहा है फ्री टू मूव है अगर वो फ्री टू मूव है तो इसका मतलब तो डीलोकेलाइज है और कोई भी अगर डीलोकेलाइज है पाई बॉन्ड तो उसको बनाएंगे डैश से बोलो दिख रहा है डैश ठीक है यानी यानी डॉटेड लाइन अब ये कैसे बॉन्ड है ये पार्शियल बॉन्ड है अब भाई पॉजिटिव चार्ज एक बार इस कार्बन पे एक बार इस कार्बन पे क्या मैंने आपको ये बताया था चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है yes, एक दो के ऊपर चार्ज है लेकिन हर बार क्या है प्लस वन तो दोनों आधा आधा बांट लेंगे यानी इसके ऊपर कितना आया इसके ऊपर है प्लस डेल बाई टू और इसके ऊपर भी प्लस डेल बाई टू डेल का मतलब क्या है डेल मतलब डेल्टा डेल्टा मतलब पार्शियल तो डेल का मतलब डेल्टा और डेल्टा मतलब पार्शियल बोलो क्लियर है चलो तो ये बन गया इसका रिजोनेंस हाइब्रिड क्या बन गया रिजोनेंस हाँ रिजोनेंस हाइब्रिड बोलो आसान है और ये ज्यादा स्टेबल होगा रेजोनेंस हाइब्रिड इज ऑलवेज मोर स्टेबल अभी तो हमने शुरू किया है अभी तो एप्लीकेशंस पढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ पढ़ेंगे बॉन्ड ऑर्डर बहुत सारी चीजें पढ़नी है यार है ना अभी तो स्टार्टिंग है पहले बनाना सीखो फिर वो चीजें पढ़ेंगे ना एप्लीकेशन फिर पढ़ेंगे देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया अब की बार सेकेंड लेते हैं पाई बॉन्ड एंड ऐसे लिखते हैं नेगेटिव या लोन पेयर नेगेटिव या लोन पेयर से पाई बॉन्ड की तरह देखो कैसे मैंने बनाया सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच एंड सी एच टू नेगेटिव एक लोन पेयर वाला भी बना दू क्या एक लोन पेयर वाला ही बना रहे थे मैंने बनाया सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच और सी एल ऐसे बना देते क्लोरीन, क्लोरीन बना देते क्लोरीन बना देते बना दिए एन टू भी लगा लो कुछ भी लगा सकते हो है ना ठीक है अब देखो ध्यान से क्या बोला था नेगेटिव हमेशा पाई बॉन्ड की तरफ जाएगा पाई बॉन्ड नेगेटिव की तरफ नहीं जाएगा और पाई बॉन्ड क्या बनाएगा नेगेटिव नेगेटिव और नेगीटिव क्या बनाता है हमेशा पाई बॉन्ड दैट मींस ये नेगेटिव बोलेगा भाई मैं यहां आ जाऊं तो ये कार्बन क्या बोलेगा अगर तू आ गया तो मैंने पहले चार बॉन्ड बना रखे थे जैसी तूने बॉन्ड बनाया मेरे पांच बॉन्ड हो गए और मैं अनस्टेबल हो गया तो भाई एक काम कर मैं इस बॉन्ड को इस कार्बन को दे देता हूं और स्ट्रक्चर कैसा बना देखो सी एच टू पाई बॉन्ड किस कन्वर्ट हो गया नेगेटिव और सी एच टू और डबल बॉन्ड सी एच टू बोलो दोनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए लेकिन हमें तो क्या बनाना है रिजोनेंस हाइब्रिड तो रिजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा देखो सी एच टू सी एच और फिर सी एच टू ठीक है इतना दिखा है ना शाबाश चलो सी एच इतना दिखा अब होगा क्या पाई बॉन्ड कन्वर्ट हो रहा है एक बार तो पाई बॉन्ड यहाँ था दूसरी बार कहा आया यहाँ यानी अब की बारी पाई बॉन्ड कैसा है पार्शियल पाई बॉन्ड है ना यानी डीलोकलाइज है और एक बार नेगेटिव इस पे था एक बार नेगेटिव इस पे था तो अब नेगेटिव भी क्या होगा हाफ हो जाएगा क्योंकि तो दो पे डिवाइड हो रहा है तो ये क्या होगा माइनस का डेल बाई टू और ये भी माइनस का डेल बाई दैट मीन आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों आना चाहिए समझ पा रहे हो चलो इसमें बना के देखे लोन पेयर भी किसकी तरफ मूव करेगा पाई बॉन्ड की तरफ दैट मीन्स ये लोन पेयर कहां आया ये लोन पेयर आया यहां ये पाई बॉन्ड कहाँ आया यहाँ और स्ट्रक्चर कैसा बना सी एच टू यहाँ एक चेंज आता है जो अपने को हमेशा याद रखना है ठीक है क्या चेंज आएगा जब कभी नेगेटिव जाएगा ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा नेगेटिव गया कार्बन कार्बन का कार्बन रह गया है? या कोई भी एलिमेंट है नेगेटिव गया है नेगेटिव जाने का तो वैसा का वैसा ही है चेंज पे आएगा अगर लोन पेयर जाएगा ध्यान से सुनना नेगेटिव गया जाने दो कोई फर्क नहीं अगर लोन पेयर गया ना तो वो हमेशा एक पॉजिटिव की छाप छोड़ के जाएगा बोलेगा भाई अब मैं पॉजिटिव हो गया मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिया याद रखना तो जब भी लोन पेयर मूव करेगा तो कैसी छाप छोड़ेगा पॉजिटिव की यानी पॉजिटिव साइन आएगा करेगा, तो पॉजिटिव साइन नहीं आएगा ठीक है क्योंकि नेगेटिव उसके ऊपर आके बैठा था मैंने तुम्हें पचास रुपए दिए तुमने किसी और को दे दिए ये था नेगेटिव का केस दूसरा केस क्या है वो पचास रुपए तुम्हारे थे और अब तुम किसी को दे रहे हो तुम बोलो यार मेरे पचास रूपये तुम्हें चिंता हो गई तुम्हें चिंता हो गई पॉजिटिव चार्ज आ गया बोलो पता चला पक्का चलो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए इसका कोई डाउट तो नहीं है चलो अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं जैसे इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊंगा एक आया सी एच टू एक आया सी एच और एक आया सी एल देखो यहाँ पे तीनों जगह क्या है दोनों जगह पार्शियल डबल बोर्ड अब इस पे नेगेटिव चार्ज है तो इस पे आप लगाओगे पार्शियल नेगेटिव क्योंकि भैया यहाँ माइनस का डेल्टा क्यों सर डिवाइड क्यों नहीं हो रहे क्योंकि दोनों इक्वल इक्वल चार्ज है और अलग अलग पर है नेगेटिव इस पे था आ, इस पे है अच्छा पॉजिटिव इस पे ये पॉजिटिव भी मूव नहीं कर रहा तो इस पे कैसे चार्ज आया पार्शियल पॉजिटिव बोलो क्या बन गया हाइब्रिड बोलो कोई डाउट है यानी एक बात और आसपास में पता चल गई अगर लोन पेयर मूव करेंगे तो कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा बोलो पता चला आसान है कर पाओगे कोई डाउट चलो नोट करो एक दो और बनाते हैं फिर एरोमेटिक रिंग्स के बनाएंगे ना तो करो नोट करो तो देखो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बनाए चलो नेक्स्ट बनाते हैं आ, इधर बनाते हैं ना देखो नेक्स्ट है हमारा सी एच थ्री यानी थर्ड थर्ड हम लोग बना रहे हैं सी एच थ्री सी डबल बॉन्डो सी एच टू पॉजिटिव बोलो क्या पाई बॉन्ड दिख रहा है तो पाई बॉन्ड किसकी तरफ मूव करेगा पॉजिटिव की तरफ और देखो पाई बॉन्ड ने मूव किया यहाँ पर और स्ट्रक्चर कैसा हुआ सी एच थ्री सी यहाँ पे डबल बॉन्ड सी एच टू और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया नीचे लगा दू ऊपर वो लिखा हुआ है इसलिए ऊपर वाला ही मिटा देते हैं ना क्या दिक्कत है इसको मिटा देते हैं वफेरी जगह है हमारे पास ये लो देखो सी एच और ऑक्सीजन अब ऑक्सीजन ने पाई बॉन्ड दिया तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज पॉजिटिव चार्ज एकदम तो ऑक्सीजन अच्छा आपको पता है ना ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं हाँ तो दो लोन पेयर भी हैं अभी और क्या चार्ज पॉजिटिव ये आपको बनाना है तो बोलो ऐसे ही बनेगा अरे बोलो है ना तो देखो क्या रिजोनेंस हो रही है हाँ नहीं हो रही है हमें लग रहा है हमें दिख भी रहा है रिजोनेंस हो रही है लेकिन रियल में यहाँ पर रिजोनेंस नहीं हो रही क्यों यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्टेट काउंट करो यहां ऑक्सीजन का ऑक्टेट में काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन थे आठ आठ इलेक्ट्रॉन थे यानी ऑक्टेट क्या था कंप्लीट था यहां काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन है छह क्या ऑक्टेट कंप्लीट है ऑक्टेट इनकंप्लीट लेकिन सर यहां पे कार्बन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है छह इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब सर कार्बन का भी ऑक्टेट तो क्या है इनकम्प्लीट है अरे बोलो आया ना तो सर कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तभी तो कार्बन ने बॉन्ड लिया तो सर फिर बन क्यों नहीं रहा एक एक इनकम्प्लीट तो दोनों में अच्छा यहां पे कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन है आठ इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्टेट कंप्लीट है इसका मतलब सर अगर आप रिजोन कराओगे तो एक कंप्लीट होगा और एक इनकम्प्लीट होगा सर इससे पहले भी आपने कराया था यहां पर तब भी था पॉजिटिव वाले में जब मैंने कराया था तब भी था तो यहां रिजोनेंस हो क्यों नहीं रही ये पता करना है अपने को यहां रिजोनेंस इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था जहां मैंने बोला था पॉजिटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ई एन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव इज लेस स्टेबल याद है जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उतना ही ज्यादा नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा और जो जितना इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा तो ऑक्सीजन बोलो इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन फ्लोरीन देन ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या है इलेक्ट्रो नेगेटिव है अब क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा नहीं करेगा तो बोलेगा मैं पॉजिटिव क्यों लू मैं रिजोन करूंगा ही नहीं लो करा लो और यहां पे कायदे में रिजोनेंस हो ही नहीं रही है हम सोच रहे हैं अरे वाह रिजोनेंस हो रही है लेकिन रिजोनेंस नहीं हो रही तो ये भी पता होना चाहिए रिजोनेंस हो रही है और कहा रिजोनेंस नहीं हो रही ठीक है, है अगर ऑक्टेट कंप्लीट होता ऑक्सीजन का और तब पॉजिटिव चार्ज होता तब रिजोनेंस होती हाँ हाँ हा, तब रिजोनेंस होती ऐसी कंडीशन आती तो लेकिन अभी एक तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट ऊपर से चांद के ऊपर बैठा है पॉजिटिव चार्ज बोलो होगा नहीं तो मैंने क्या बोला ये भी पता होना चाहिए कि कब हो हो, कब नहीं हो रही पता चला चलो आगे बढ़े अब यहां पर एक छोटा सा एग्जाम्पल और करते हैं अब हम यूज कर रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड को है ना तो सबसे पहले मैंने लिया फोर्थ क्या आप इसको जानते हो किस किस को इसका नाम पता है लो अब बताओ किस किस को इसका नाम पता है बोलो बड़ा सर बोल रहे थे बोलो क्या है इसका नाम क्या नाम था फिनाइल तो अलग ही चीज हो गई और वो फिनॉल होता है और वो फिनॉल होता है बोलो कोई तो नाम बताओ इसका नाम है एनिलीन क्या नाम है इसका एनिलीन क्या नाम बेटा एनिलीन अब देखो एनलिन में करा रहे हैं हम लोग रेजोनेंस कैसे कराएंगे बहुत ध्यान से देखना बहुत ध्यान से समझना एक चीज और जो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूं हमने इधर मिटा के लिखता हूं अपने को यह बात हमेशा पता होनी चाहिए है ना कि रेजोनेंस इफेक्ट को हम लोग मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं है ना ये बात मैंने जब लेक्चर स्टार्ट किया था रेजोनेंस का तब तो मैंने आपको बोला था कि रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट में एक बहुत ही पतली सी लाइन है यानी बहुत ना की बराबर डिफरेंस है तो रेजोनेंस कब होगा रेजोनेंस होता है नॉर्मली रिंग में या फिर अभी आपने पढ़ा लीनियर कंपाउंड्स में भी यानी रिंग और चेन में दोनों में क्या होता है रेजोनेंस होता है लेकिन मीजोमैरिक इफेक्ट देखो मीजोमेरिक इफेक्ट मिजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस लगभग दोनों क्या है सेम है तो आप तो सेम ही कंसीडर कंसिडर चलोगे बस मीजोमेरिक इफेक्ट कब बोला जाता है जब रिंग पर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ जाए जो खुद भी आके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करे है ना यानी मीजोमेरिक इफेक्ट कब होगा जब कोई भी ग्रुप अटैच्ड होगा टू द रिंग एंड इंटरफेयर इंटरफेयर इन रेजोनेंस रेजोनेंस में इंटरफेयर करेगा या तो रेजोनेंस बढ़ाएगा या कम करेगा ठीक है पता चला उसको क्या बोलते, Mesomeric effect बोलते हैं क्लियर है अभी आपको बताऊंगा प्लस एम ग्रुप कौन से हैं यानी प्लस आर ग्रुप माइनस आर ग्रुप कौन से है plus group, minus कौन से? ना जैसे प्लस आई माइनस आई देखा था ना ऐसे ही उनको देखेंगे तो उनको हम नाम से जानेंगे और तो डायरेक्टिंग या फिर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप तो अभी तो बहुत चीजें हैं अभी तो हमने हमने शुरू किया है चलो खेले रिजोनेंस रिजोनेंस बोलो पाई बॉन्ड किसकी तरफ मूव करेंगे यहां पे किस की तरफ मूव करेंगे बॉन्ड नहीं करेंगे फिर कौन मूव करेगा लोन पेयर किसकी तरफ पाई बॉन्ड तरफ तो देखो हमेशा हर कोई अपने पड़ोसी से ही ले सकता है पड़ोसी को ही दे सकता है ऐसा नहीं होगा पड़ोसी की जगह और किसी से मांग रहा हूँ हमेशा किससे लोगे अपने ये क्या कर रहा है इसको लोन पेयर दे रहा है अब ये कार्बन नाइट्रोजन को नहीं बोल सकता कि उससे तो ले रहा है तो ये कार्बन इस कार्बन को बोलेगा बोलेगा भाई तू मेरा पड़ोसी है ना बोला हाँ एक काम कर बॉन्ड को तू ले तो हुआ क्या देखो नाइट्रोजन एक बॉन्ड से जुड़ा था एक लोन पेयर भी आया कितने बॉन्ड हो गए दो बॉन्ड थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं और लोग कितने बॉन्ड हो गए दो बॉन्ड हो गए नाइट्रोजन NH2 ये दोनों बॉन्ड ऐसे ही हैं ये बॉन्ड यहां आया जब बॉन्ड हमेशा किस में कन्वर्ट होगा और नेगेटिव बॉन्ड में कोई भी लोन पेयर देगा तो उसके ऊपर कैसा चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज पॉजिटिव बोलो यहां तक की कहानी समझ आई अब ये कार्बन नेगेटिव है बोला इससे तो अभी लिया है तो इससे तो मांग नहीं सकता इसको बोलेगा भाई सुन मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज है तू एक काम कर दे मुझे छोटा सा फेवर कर दे बोलेगा हाँ पता क्या फेवर करूं बोलेगा यार इस नेगेटिव को है ना तू ले ले मतलब मेरे साथ बॉन्ड बना ले जब इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला कार्बन इसको क्या बोलेगा बोलेगा भाई एक काम कर इस बॉन्ड को तू वापस ले ले बोलेगा ठीक है साथ मिलके टीम वर्क से ही तो काम होगा तो डबल बॉन्ड एन एच टू पॉजिटिव ये नेगेटिव ने बनाया बॉन्ड ये बॉन्ड पहले से था और ये बॉन्ड क्या बन गया नेगेटिव बोलो बना पक्का बन गया अब अब ये कार्बन इसको क्या बोलेगा बोलेगा भाई नेगेटिव है मेरे साथ क्या कर ले बॉन्ड बना ले तो ये कार्बन इसको क्या बोलेगा पड़ोसी को भाई, भाई बॉन्ड को तू ले ले देखो एरो की बहुत चाहिए चाहिए साफ दिखना कार्बन पे जा रहा है साफ दिखना चाहिए बॉन्ड पे जा है। तो और आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे एग्जामिनर इतना कंफ्यूज नहीं होगा ठीक है क्यों क्योंकि क्यों उसको तो बस काटना है तो कंफ्यूज कौन हो गए आप हो गए अब स्ट्रक्चर कैसा बना देखो डबल बॉन्ड NH2 एच टू पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बॉन्ड है ये नेगेटिव यहां आया तो यहाँ बॉन्ड यहाँ कैसा चार्ज आया नेगेटिव अब ये कार्बन इस कार्बन को बोलेगा बोले भाई आ गए हम वापस तो ये क्या बोलेगा ठीक है यार ला इधर दे नाइट्रोजन को बोलेगा भैया अपना बॉन्ड वापस ले लो लोन पेयर बना ले तो ये बोलेगा ठीक है और इसने क्या किया नाइट्रोजन ने एक यहां एक यहां और एक यहां और यहां पर NH2 और नाइट्रोजन पे क्या आ गया लोन पे बोलो क्या रेजोनेंस हो गया बोलो क्या डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है आसान है कर पाओगे जरा बताओ कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने अरे गिनो एक दो तीन चार पांच अब ये दोनों तो सेम है नहीं अब इन्हें सेम काउंट नहीं करोगे ये अलग अलग काउंट होंगे ठीक है तो कितने हो गए पांच तो कितने आर एस बने फाइव आर एस आर एस का मतलब यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कुछ और नहीं समझना है ठीक है आर एस का मतलब क्या है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अब इसी से क्या बना दू रिजोनेस हाइब्रिड बना दू चलो लो रिजोनेस हाइब्रिड बनाते हैं यहां बना दे थोड़ा ऊपर हो जाएगा देखो आपके पास रिंग थी यहां पे आपका एनएच टू जुड़ा था अब पाई बॉन्ड यहां पे भी है देखो यहां सिंगल है यहां डबल है यहां सिंगल आ गया दैट देस पाई बॉन्ड यहां पे भी क्या हो रहा है डीलोकेलाइज हो रहा है अच्छा पूरी रिंग में भी क्या हो रहा है डीलोकेलाइज हो रहा है पूरी रिंग में भी क्या हो रहा है डीलोकलाइज अच्छा बताओ पूरी रिंग पे बार बार कौन सा चार्ज आ रहा है कैसे चार्ज आ रहा है नेगेटिव अगर पूरी रिंग पे बार बार नेगेटिव आ रहा है तो आप बीच में नेगेटिव लिख दो बस खत्म कहानी बीच में नेगेटिव का मतलब भैया नेगेटिव सब में घूम रहा है अच्छा एन एस टू पे तो नेगेटिव नहीं है तो एन एच टू पे क्या लिखोगे पार्शियल पॉजिटिव तो टू पे क्या लिखोगे पार्शियल पॉजिटिव और ये क्या बन गया रेजोनेंस अरे बोलो हाइब्रिड ये क्या बन गया रेजोनेंस हाइब्रिड बोलो बना सकते हो आसान है नेक्स्ट दो आपको नेक्स्ट आप लोग बनाओगे तो आपका क्वेश्चन है आप लोग बनाओगे फिफ्थ इसका नाम बता दो फिर बनाएंगे है ना इसका नाम बताओ बोलो इसका नाम है फिनॉल क्या फिनॉल में आपको पता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं पता है ना अपने को तो ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं लोन पेयर होते हैं अब ये बात एग्जामिनर नहीं बताएगा ये बात किसको पता होनी चाहिए अपने को पता होनी चाहिए है ना तो चलो इसको नोट करके इसको बनाओ पांच मिनट का टाइम है आपके पास बनाओ फिर आगे बढ़ते हैं ना मैं एक बार फिर आप यहां से क्रॉस चेक करना सब लोग देखो मेरी बारी थोड़ा बहुत मौका हमें भी दो देखो उसके बाद एक और आप लोग बनाओगे ना तो इसको भी मिठाई देते हैं ये अपन ने नोट कर लिया है। चलो देखो फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे फिनॉल फिफ्थ था बेटा फिफ्थ फिनॉल फिनॉल का मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है सबको पता है फिनॉल में ऑक्सीजन के पास कौन होते हैं लोन पेयर तो होगा क्या ऑक्सीजन बोलेगा इस कार्बन को चल भाई मेरा लोन पेयर ले ले जब ये इसको लोन पेयर देगा तो ये कार्बन इस कार्बन को क्या बोलेगा भैया मैंने लोन पेयर ले लिया है तो अब तू एक काम कर तू मेरा बॉन्ड ले ले तो चला अब जैसे इसने बॉन्ड लिया तो चलो मुझे बताओ जिसके ऊपर पाई बॉन्ड आएगा उसके ऊपर कैसा चार्ज होगा नेगेटिव। ये दो ऐसे के ऐसे ही हैं? यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ और एच जो लोन पेर देता है उस पे कैसा चार्ज होता है, है. तो पॉजिटिव अब क्या होगा अब ये कार्बन इस कार्बन को बोलेगा भाई मेरा नेगेटिव ले ले तो ये कार्बन इस कार्बन को क्या बोलेगा भाई मेरा बॉन्ड यूज कर दो मेरी हेल्प कर तो होगा क्या चल भाई मिलके पाई बॉन्ड बनाते हैं दूसरे को नेगेटिव दे देते हैं यही तो हो रहा है अपना अपना काम निकलवाते है अब क्या होगा ये कार्बन इसको बोलेगा भाई चल मुझे सपोर्ट कर मेरा नेगेटिव ले ले जब ये नेगेटिव लेगा कार्बन तो ये इसको क्या बोलेगा भाई तू पाई बॉन्ड ले, ले। और देखो स्ट्रक्चर कैसा बना जिसने पाई बॉन्ड लिया उस पर नेगेटिव यहाँ पाई बॉन्ड यहाँ पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड ओ एच और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव अब ये कार्बन इस कार्बन को क्या बोलेगा बोलेगा भाई मेरे नेगेटिव से पाई बॉन्ड बनाते हैं तो ये ऑक्सीजन को क्या बोलेगा चल भाई अपना वापस ले ले पाई बॉन्ड और जैसे ही अपना पाई बॉन्ड लेगा वापस तो स्ट्रक्चर देखो बेटा कैसा बना देखो ऐसे ही बना क्या ओ और एच और ऑक्सीजन का पॉजिटिव हट गया बोलो कितने आर एस बने पांच तो यहाँ पे भी क्या बने फाइव आर एस बने अगर पांच आर एस बने अब आप लोग क्या बनाओगे रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे अगेन देखो यहां पर ओ एच पाई बॉन्ड ने मूव किया है यानी पाई बॉन्ड हर जगह पे डीलोकेलाइज है दैट मींस यहां पे कैसा चार्ज नेगेटिव अच्छा यहां कैसा चार्ज पार्शियल पॉजिटिव बोलो बना सकते हो आसान है एक और बनाओगे एक और दूं लो ये वाला आप बनाओ सिक्स मैं दे रहा हूं आपको बेटा देखो ये रा, इसको आपको बनाना है आप लोग ट्राई करो देन फिर मैं बनाऊंगा अगला ठीक है करो ट्राई देखो मेरी बारी कब तक तुम लोग मेहनत करोगे आओ इधर देखो मैंने क्या बोला था मैंने बोला था पाई बोर्ड हमेशा मूव करेगा किसकी तरफ पॉजिटिव की तरफ है ना तो इसका मतलब होगा क्या ये वाला बॉन्ड जो है देखो ये कैसा बॉन्ड है ये पाई ये पाई बॉन्ड मूव कर रहा है किसकी तरफ पॉजिटिव की तरफ और देखो स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है इधर 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 देखो बच्चों ध्यान रखो रखो नजर अब पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया है हट गया जब इस कार्बन से बॉन्ड देखो पहले बॉन्ड इस कार्बन के पास तो और इसके पास था अब भी इस कार्बन और इसके पास है यानी ये तो मीडिएटर है इसके पास तो हमेशा रहेगा तो ग्राहक किसके पास नहीं इसके और यहाँ क्या साइन आया पॉजिटिव चला, अब क्या होगा अच्छा मैंने क्या बोला था अगर है ना अब क्या होगा ये पाई बॉन्ड ये वाला कार्बन इसको क्या बोलेगा ये वाला बोलेगा भाई मेरे पास पॉजिटिव है मेरी हेल्प कर बोलेगा ठीक है भाई एक काम कर तू पाई बॉन्ड ले ले किससे छीन के दिया इस बेचारे से तो इस कैसा चार्ज आया कैसा चार्ज आया पॉजिटिव और यहां डबल बॉन्ड और यहां पे डबल बॉन्ड एनएस थ्री और यहां बॉन्ड अब क्या होगा इसमें पॉजिटिव ये इससे हेल्प मांगेगा तो ये इससे छीन के देगा तो इस बेचारे पे क्या आ गया पॉजिटिव आ गया और देखो कैसा बना डबल बॉन्ड एन थ्री यहां बॉन्ड यहां बॉन्ड और यहां पर पॉजिटिव अब ये क्या करेगा इससे हेल्प मांगेगा तो ये इससे छीन के देगा और देखो तो स्ट्रक्चर कैसा बना आ, यहां बॉन्ड आ गया यहां बॉन्ड पहले से थे और दिस इज एन थ्री और नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव बोलो किस किस का ऐसे ही बना हाथ उड़ाओ एक दो तीन चार शाबाश क्या होगा बन गया हाँ दो स्टेप रहेंगी थी, थी बस तो बोलो पता चला कैसे हुआ तो उस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना आया अरे बोलो हाँ शाबाश तो इसमें रिजोनेंस नहीं होता है ऐसा कुछ होगा ही नहीं ये होगा ही नहीं कभी अभी जो हमने किया ना ये कभी होगा ही नहीं पूछो क्यों नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है तीन अगर नाइट्रोजन के ऊपर कोई चार है तो मैक्सिमम चार नहीं तो नाइट्रोजन नॉर्मली क्या बनाता है तीन बॉन्ड बनाता है सेकंड वाले में ही बोलो नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना दिए एक दो दो और तीन हाइड्रोजन को ऐसे लिख दू लो एच 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 कितने बॉन्ड आए हाइड्रोजन के पांच बॉन्ड आए अरे एक दो तीन चार पांच क्या नाइट्रो तो पांच बॉन्ड बनाता है तो इसका मतलब यहां कभी रिजोनेंस होगी ही नहीं बेंजीन के ऊपर एन एच टू ग्रुप को क्या बोलते थे हाँ क्या बोलते थे इसको इसको बोलते थे एनेलिन और अगर किसी के भी ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए तो उसके पीछे क्या जोड़ते थे आई एम -E तो इसका नाम है एनिलीनियम एनिलीनियम आयन क्या नाम है इसका एनिलीनियम आयन और एनिलीनियम आयन रिजोरेंस शो नहीं करेगा दैट मीनसिनियम एनिलीनियम आयन में जो नाइट्रोजन है वो रिजोरेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा अंदर घूमते बॉन्ड जितना घूमना है लेकिन ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्यों अगर इसने पार्टिसिपेट किया तो नाइट्रोजन तो बनाएगा पांच बॉन्ड और नाइट्रोजन तो तो पांच बॉन्ड नहीं बनाता है एनसीईआरटी पेज नंबर थ्री स्ट्रक्चर दिया और एक्सप्लेन किया हुआ है सेम ऐसा नहीं होता है समझ आया तो दो पढ़ लिए जहां रिजोरेंस नहीं होता है पता चला हा एकदम इसलिए मैंने तुम्हें बनवाया था मुझे पता था तुम बनाओगे तो इतना ही करें इसके आगे का नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर लेते ठीक है इतना ही तुम्हें भी जाना है तो चलो इतना ही करते बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे ना। तो यहाँ पे आप लिख ना, आयन में, नाइट्रोजन एटम नोट नोट पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस नाइट्रोजन एटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा दैट मीन्स एनिलीनियम आयन में नो no रेजोनेंस कोई रेजोनेंस नहीं हो रही है क्योंकि अंदर तो घूम रहा है घूम ही रहा है हम तो पूरे के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे ना बोलो समझे तो आज इतना ही इसके आगे अभी तो हमने शुरू किया है अगला लेक्चर और अच्छा जाने वाला है ना ठीक है प्रैक्टिस करनी है अच्छे से तो चलो आज इतना ही बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में